हेलो, वेलकम टू ट्यूटर ममता ट्रेनिंग। इस ट्यूटोरियल में हम आपको बेसिक वीडियो एडिटिंग के बारे में बताएंगे कि वॉइस ओवर के साथ में किस प्रकार वीडियो को एडिट किया जाता है। आप एडिट कैसे करते हैं? जी सर, सबसे पहले अब आपको वॉइस ओवर जो है हमारा जो एडिटिंग का जो ट्रैक है, एडिटिंग का जो ट्रैक है वो वॉइस ओवर के ऊपर बेस्ड होता है। कौन सा शॉट लगना है, कितनी ड्यूरेशन का लगना है, कैसे लगना है, वो सब डिपेंड करता है हमारे वॉइस ओवर पे। और वॉइस ओवर को हम लोग तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू शॉट, शॉट कितना कम ज़्यादा लग काम, मतलब आपको स्लो रखना है पेस को या फास्ट रखना है, कैसे, ये डिपेंड करता है आपके वॉइस ओवर पे, आपके म्यूजिक पे, आपके एम्बियंस पे, उन चीज़ों। जैसे आप कोई गजल गा रहे हो तो उस पर शॉट लंबे लंबे चलेंगे, यदि आप भांगड़ा डांस कर रहे हो तो उस पर आप शॉट छोटे छोटे लगाओगे। एडिट करते हैं। अच्छा, एडिट करने के लिए हमें 3 या 3 पॉइंट एडिटिंग करनी पड़ती या 4 पॉइंट एडिटिंग। पहले तक था कि हम यहाँ इन आउट लगा लेते थे कि आपको कितना लेके आना है। ठीक, जब हम वॉइस ओवर के ऊपर एडिट करते हैं तो हमें ये डिसाइड करना होता है कितना लाना है, ऊपर कितना है इससे हमें मतलब नहीं है, हमें नीचे कितना चाहिए वो सेट करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले हम डिसाइड ये करते हैं कि हमें कितना चाहिए, उसके बाद ऊपर लाएंगे। कितना चाहिए उसके लिए सबसे पहले हम इन आउट लगाते हैं कि जो चीज आ रही है इसके ऊपर आगे पीछे ना आए, उतनी एरिया में ही आए। इसके लिए हम लोग वो एरिया डिसाइड करते हैं। उस एरिया डिसाइड करने के लिए हम लोग इन पॉइंट और आउट पॉइंट का यूज करते हैं। साउंड और वीडियो की मैचिंग करानी पड़ती है। हाँ, अब हम कहां से कहां तक विजुअल, जो पहला विजुअल आएगा वो कहां से कहां तक आएगा, वो सबसे पहले इन पॉइंट जहां से लेना है। पहला जो शॉट लगता है, शॉट में एडिट करते समय वो 2 या 3 सेकंड पहले से लगता है। अच्छा। इसको हम लोग प्री रोल बोलते हैं। प्री रोल मतलब वॉइस ओवर शुरू होने से पहले विजुअल शुरू हो जाता है, बाद में ऑडियो आती है। प्री रोल ऑन एयर भी पहुंचाते हैं? प्री रोल जरूर लगता है। प्री रोल जरूर लगता है, ही लगता है वीडियो में। अच्छा, ऑडियो में लगता है? ऑडियो वीडियो दोनों में। मतलब मेन वॉइस ओवर शुरू होने से पहले प्री रोल लगता है। वो का होता है 3 सेकंड, ये स्टैंडर्ड है 3 सेकंड का, लेकिन कुछ लोग 1.5 सेकंड लगाते हैं, कुछ लोग 2 सेकंड लगाते हैं, कुछ लोग 5 सेकंड लगाते हैं। ये अकॉर्डिंग टू स्टोरी चेंज होता रहता है, अकॉर्डिंग टू मैन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, इसका कोई नियम नहीं है। लेकिन जो स्टैंडर्ड एडिटिंग का एक पैमाना है उसमें 3 सेकंड का प्री रोल देने की एक परंपरा चली आ रही है, उसको हम लोग मानते हैं कभी और कभी नहीं मानते। तो हम पहले इन लगा लिया। अब आउट कहाँ लगेगा, कहाँ तक विजुअल, अब आपको सेंटेंस को तोड़ना पड़ता है। कैसे? आपको घर के वाटर अम्यूजमेंट पार्क में पानी की फुहारों और संगीत की धुनों पर थिरकते इन लोगों को अब और नहीं देखा जा सकेगा। अब इसमें कितनी चीजें हैं, सबसे पहले देखिए, आपको घर के वाटर अम्यूजमेंट पार्क में, आपको घर के वाटर अम्यूजमेंट पार्क में एक पॉइंट हो गया, मतलब कहीं पर एक लोकेशन है, एक अप्पू घर है और वहां पर वाटर पार्क है। पहला मुद्दा, यहाँ पर एक आउट लगा लीजिए। पहले वाटर पार्क ढूंढिए, वाटर पार्क का शॉट लगाइए, ये वाटर पार्क है। अब यहां पर आप इन लगा लीजिए। ठीक, यहां पर अब आपको आउट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने यहां तो डिसाइड, जब इन इनसे मैच कर जाएगा, ये वाला इन इससे मैच कर जाएगा और यहां पर ये ऑटोमेटिक आउट लग जाएगा। अच्छा, ये इसमें खुद फ्रेम में फिट हो जाएगा अपने आप। ये तो नई चीज है, पहली बार। ठीक है, आप सीधे F10 दबाइए, उतने एरिया में सेट हो गई। ऑडियो हमको एम्बियंस डिस्टर्ब ना करे, इसके लिए हम अभी एम्बियंस को हटा देते हैं। एम्बियंस अभी नहीं ला रहे हैं क्योंकि आपको मैनेज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ठीक, नेक्स्ट पैकेज में एम्बियंस इंट्रोड्यूस करेंगे। आपको घर के वाटर अम्यूजमेंट पार्क में जहां तक था वहां तक लाइए। अब इसका मतलब है फुहारों और संगीत की धुनों पर, फुहारे हैं और संगीत की धुनों पर थिरकते इन लोगों को अब और, फुहारों इन मारिए, यहां से इसी के पास से इन मार लीजिए जहां से आपको विजुअल लेना है। फुहारों और संगीत की धुनों पर थिरकते इन लोगों को अब, इन लोगों को अब और नहीं देखा जा सकता, मतलब संगीत है वहां पर, लोग डांस कर रहे हैं और ये चीज खत्म हो रही है। 3 पॉइंट यहाँ पर इस पूरे सेंटेंस में 3 पॉइंट आए हैं। पहला पॉइंट अप्पू घर है, दूसरा है वहां पर
फुहारे हैं और संगीत बज रहा है और बंदे डांस कर रहे हैं, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, अब ये बंद हो रहा है। तीन पॉइंट है। अब यहां पर तीन शॉट लगेंगे, एक पहला, एक मिडिल और एक इंड। अब यहां पर हमने आउट लगा लिया, जहां तक आपको विजुअल लिखना, तो आप फुहारे ढूंढिए। आप इसको ले सकते हैं, ये फुहारा है, हो सकता मैच ना करे, फिलहाल जस्ट एग्जांपल लें। अब यहां पर फिर से हम लोग एफ टेन करते हैं। अब देखिए वहीं तक विजुअल आया, अब यहां से फिर इन मान लीजिए और नहीं देखा जा सकेगा। अब जहां जहां पर एडिटिंग में ये चीज ध्यान रखना, जहां जहां पर आपको फुल स्टॉप लगता है वहां विजुअल चेंज होगा ही होगा। जहां सेंटेंस खत्म वहां विजुअल चेंज होगा, मतलब दैट इज द एडिट पॉइंट। दूसरा आपको मैंने बताया अल्पविराम कंजंक्शन, आपको ये सेंटेंस हिंदी में देखना है कहां पर पूर्ण विराम है कहां पर अल्पविराम है, तो आप जितनी देर में अल्पविराम लगा हुआ है, क्योंकि सेंटेंस जो बनता है कई पार्ट में बनता ना जी सर, बिल्कुल, तो उस सेंटेंस को ध्यान में रखना है, उस सेंटेंस के हिसाब से आपको विजुअल लगाने हैं, आपकी ऑटोमेटिक एडिटिंग हो जाएगी। अगला शॉट F10. अब देखिए, आपको घर के वाटर अम्यूजमेंट पार्क में पानी के फुहारों और संगीत की धुनों पर थिरकते इन लोगों को अब और नहीं देखा जा सकेगा, घर में ने दस्तक दे दी है। अब देखिए ये लॉन्ग शॉट है, ये मिड शॉट है और ये क्लोज तो नहीं है, ये मिड शॉट है। आप चाहें तो इसका क्लोज भी कहीं पर कोई भी किसी का लगा सकते, ये डांस कर रही है, अब इसको लगा सकते हैं। और नहीं देखा जा सकेगा, घर में ने दस्तक दे दी है। किन मारी है? घर में ने दस्तक दे दी है। अब गर्मी ने दस्तक, घर में ने दस्तक दे दी है। लेकिन से पहले काट दो, लेकिन आ गया। इस बार ठंड की विदाई के साथ ही अब को घर में भी ताला लग रहा है। इसमें तीन पॉइंट हैं। पहला देखिए, गर्मी ने दस्तक दे दी है, मतलब गर्मी आ चुकी है, लेकिन इस बार ठंड की विदाई के साथ ही अप्पू घर में भी ताला लग रहा है। अप्पू घर में भी ताला लग रहा है, तीन पॉइंट, एक तो गर्मी आ रही है, ठंडक खत्म हो रही है और अप्पू घर में ताला लग रहा है, तीन पॉइंट है। तीनों को आप तीनों में अलग अलग शॉट लगा दीजिए, आपका ये सेंटेंस एडिट हो जाएगा। अब क्या है, गर्मी ने दस्तक दे दी है, ये आपने पिछला शॉट लगाया क्लोज शॉट, आप इसे मिड शॉट लगाना है या दूसरा लॉन्ग शॉट लगाना है, इस टाइप का शॉट ये लगा सकते हैं। F9 करेंगे तो इस तरह गैप आ जाएगा, इसलिए F10 करेंगे। घर में ने दस्तक दे दी है, लेकिन इस बार ठंड की विदाई के साथ ही जहां साथ ही वहां आउट लगा लीजिए। हमने ये अब यहाँ पर शॉट देखना जो कौन सा, अब यहाँ पर देखिए ये बंदा, ये पूरा एक्शन कहाँ से, ये यहाँ से है ना, ये बंदा देखिए, ये लो इसको। इस बार ठंड की विदाई के साथ ही अप्पू घर में भी ताला लग रहा, अब इनको भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हैं। इन मारा आउट लगाया, यहाँ पर आप यहाँ से देखिए कहाँ से विजुअल आ रहा है, यहाँ पर भी लेफ्ट एरो राइट एरो काम करेगा, इन लगा लीजिए और F10 लगा लीजिए, ये आपका हो गया। साथ ही अप्पू घर में भी ताला लग रहा है, यानी इस बार गर्मियों की तपिश में अप्पू घर का ये ठंडक और सुकून भरा माहौल लोगों को नसीब नहीं होगा। यहाँ पर है, यानी इस बार गर्मियों की तपिश में ये तो अगले शॉट लिए अच्छा रहेगा,
ये देख रहे हैं यहाँ इन मान लीजिए जहाँ से 60 आपको लगाना है यानी इस बार गर्मियों की तपिश में अब बुखार बुखार का ये ठंडक और सुकून भरा माहौल आराम से लगा सकते हैं शर्ट को बुखार का ये ठंडक और सुकून भरा माहौल लोगों को नसीब यहाँ पर देख लास्ट में विजुअल आ गया ऐसा आ गया तो ऐसा आ गया कोई विजुअल दूसरा इसको आप ऐसे जाइए यहाँ से इसको ऐसे काट दीजिए थोड़ा सा इसको ऐसे हल्का हल्का से सिर खिसका दीजिए या तो इसको इधर है तो इधर बढ़ा लीजिए नहीं तो इसको हल्का सा एक दो फ्रेम बढ़ाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता फिर इन मारिए यहाँ पे और यहाँ पे आउट लगाइए आउट ऑडियो में लगता है और इन वीडियो में लगता है नहीं इन आउट दोनों लगता है ऊपर लगेगा तो यही इन आउट ये इन आउट लगा ना ठीक मतलब आउट जो है ऑडियो में देख के लगाए सुन के लगाए इन लोगों को अब और नहीं देखा जा सकेगा गर्मी ने दस्तक दे दी है लेकिन इस बार ठंड की विदाई के साथ ही अप्पू घर में भी ताला लगा जितना मसाला डालोगे उतने ट्रैक और लेयर बनेंगे अब उसमें आप लेयर जैसे टेस्ट है अब ऊपर एक और बैंड आपने बैंड लगा दिया तो दो लेयर एक बैंड के लेयर और एक उसके लिए टेस्ट के लिए तो आपके 10 ट्रैक यूज हो गए बिल्कुल हो जाए अभी मुझे इतना ही दिख रहा है कि 3 पे खत्म हो जाने चाहिए दुनिया दुनिया तो बहुत बड़ी है जितना माल डालोगे उतनी तो इतनी लेयर्स जब आप यूज करते जैसे आप फोटोशॉप में ऐसे थोड़ी आप करते फोटोशॉप कितनी लेयर ग्रुप के अंदर 40 लेयर यूज करते थैंक यू फॉर वॉचिंग